नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की पूरी हाईलाइट वीडियो दिखाएंगे। देखने के लिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया है। इससे पहले अफगानिस्तान ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। अब बाबर आजम की टीम को आसानी से हरा दिया है। अफगानिस्तान के सामने 283 रनों का लक्ष्य था और अफगानिस्तान की टीम ने उसे 49 ओवर में 2 विकेट के लक्ष्य पर हासिल कर लिया है। वही इस जीत के बाद अफगानिस्तान की टीम ने पॉइंट टेबल में बड़ी छलांग लगाई है। इससे पहले मैच से अफगानिस्तान की टीम पॉइंट टेबल पर आखिरी स्थान पर थी, लेकिन अब छठे नंबर पर पहुंच गई है। पाकिस्तान के 282 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने शानदार आगाज किया। अफगानिस्तान के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जर्दन के बीच 130 रनों की पार्टनरशिप हुई। रहमानुल्लाह गुरबाज 53 गेंदों पर 65 रन बनाकर आफरीदी का शिकार बने। उन्होंने अपनी पारी में 9 चौके और 1 छक्का लगाया, जबकि इब्राहिम जर्दन को हसन अली ने आउट किया। इब्राहिम जर्दन ने 113 गेंदों पर 87 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके लगाए। अफगान टीम को दूसरा झटका 190 रनों के स्कोर पर लगा। इसके बाद अफगानिस्तान के कप्तान हसमतुल्ला साहिदी और रहमत शाह ने जिम्मेदारी संभाली। दोनों खिलाड़ियों के बीच 96 रनों की पार्टनरशिप हुई। रहमत शाह ने 84 गेंदों पर 77 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 2 छक्के लगाए। अफगानिस्तान के कप्तान हसमतुल्ला साहिदी ने और 45 गेंदों पर 48 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके जड़े। पाकिस्तान के लिए शाहीन आफरीदी और हसन अली को 1-1 कामयाबी मिली, लेकिन इसके अलावा बाकी पाकिस्तानी गेंदबाजों के निराश किया। हारिस रऊफ, उस्मा अमीर, शादाब खान और इफ्तिकार अहमद को कोई कामयाबी नहीं मिली। अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के खिलाफ आसानी से रन बनाए। इससे पहले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने 7 विकेट पर 282 रन का स्कोर बनाया। पाकिस्तान के लिए कप्तान बाबर आजम के सबसे ज्यादा रन बनाए। बाबर आजम ने 92 गेंदों पर 74 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 1 छक्का लगाया। ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने 75 गेंदों पर 58 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने अपनी पारी में 5 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके अलावा इफ्तिकार अहमद ने 2 चौके और 4 चौके की मदद से 27 गेंदों पर 40 रनों का योगदान दिया। शादाब खान 38 गेंदों पर 40 रन बनाकर नबीद उल हक का शिकार बने और अफगानिस्तान के लिए नूर अहमद सबसे कामयाब गेंदबाज रहे। नूर अहमद ने 3 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। इसके अलावा नवीन उल हक को 2 कामयाबी मिली। मोहम्मद नबी और अजमतुल्ला फरमाई 1 विकेट के अपने नाम किया। तो ये थी दोस्तों आज की हाईलाइट वीडियो। दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।